दोस्तों क्या आपको ड्राइविंग आती है? अगर ड्राइविंग आती है तो फोर्कलिफ्ट चलाना आपके लिए बहुत ही आसान है। वो कैसे होगा दोस्तों, इसी वीडियो में आपको ऑनलाइन सिखाने वाला हूँ। ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाय एंड हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सब जहाँ भी गए होंगे स्वस्थ मस्त और अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों देखिए, अगर आप एक ड्राइवर हैं, बात समझिएगा हमारा, ठीक है? बाद में आप लोग और वीडियो पूरा देखिएगा। आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं, स्किप कर देते हैं, बाद में आप लोग कमेंट बॉक्स में आगे बोलते हैं यार ऐसे नहीं हुआ ऐसे नहीं हुआ। तो भाई आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ। देख रहे हैं आप लोग पसीना, ये देखिए ये पसीना देख रहे हैं आप लोग। दोस्तों देखिए, अगर आप एक ड्राइवर हैं तो आपको तो ये स्टीयरिंग आपको मालूम ही है, ठीक है? आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम करना है ये बस इस लीवर के बारे में। किसी में चार होता है, किसी में दो होता है, वो काम के हिसाब से होता है और कंपनी का जो कंपनी होता है वो कैसा प्रोवाइड करता है आपको, उसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है ना? अगर हम बात कर लें कि अगर आपको मान लीजिए ये ड्राइविंग अगर आपको आ रहा है, ठीक है, आप ड्राइवर हो, आपको ड्राइविंग आ रहा है, आपको क्या सीखना है, केवल लीवर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ एक क्लच है, ठीक है, यहाँ एक क्लच है, ये एक ब्रेक है, एक एक्सीलेटर है। दोस्तों ये सब तो आप जानते ही, अगर आप ड्राइवर हो तो आपको इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं बताना जरूरी समझता हूँ अपने वीडियो के अंदर, क्योंकि कुछ लोग फिर से आके बैठ कमेंट करते हैं। कोई बात नहीं, कमेंट कीजिए आप लोग, अगर कुछ बताएंगे हमको वीडियो में तभी मैं और सुधार लाऊंगा। दोस्तों देखिए, आपको केवल इस लीवर के बारे में जानकारी करना है। ये लीवर जो होता है ना, केवल अप डाउन के लिए होता है। माल को आप किसी माल को उठाते हैं, किसी पायलट को उठाते हैं, ठीक है ना? तो आप इसको जब नीचे की तरफ करेंगे, जब इसको नीचे करेंगे, ठीक है ना, देखिए यहाँ से पहला नंबर अगर आप नीचे करेंगे तो माल ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कोई पायलट अगर आप उठाए हैं तो ऊपर जाएगा, ठीक है ना? जैसे आप इसको नीचे करेंगे तो ऊपर जाएगा, ठीक है? और उसके बाद से अगर आप इसी को नीचे करना चाहते हैं, इस माल को नीचे करना चाहते हैं, तो आप जब इसको आगे की तरफ ढकेलेंगे तो माल नीचे आएगा, ठीक है? लेकिन इसको चलाने के लिए, ठीक, थोड़ा सा अनुभव की जरूरत पड़ती है, ठीक है? अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा अनुभव कैसे लेना है आपको। दोस्तों अब ये रहा इधर से पहला नंबर और इधर से पहला नंबर, यानी ये पहला नंबर हो गया और ये दूसरा नंबर हो गया, ठीक है? बात समझिएगा आप लोग। दोस्तों इधर से ये पहला नंबर हो गया, ये लीवर अप डाउन के लिए, बाबू थोड़ा नजदीक दिखाइए, इधर से ये पहला नंबर हो गया इस साइड से, यानी आप लेफ्ट साइड से ये पहला नंबर हो गया अप डाउन के लिए। और उसके बाद होता है ये, तो ये केवल होता है माल के केवल किसी जगह से हल्का से उसको टर्न करना, ठीक है ना, इसके लिए आता है। अब दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को कि दोनों लीवर का अनुभव आपको कैसे लेना है, अनुभव आप कैसे लेंगे। मान लीजिए अगर आप कभी चलाए नहीं है फोर्कलिफ्ट, केवल आपको ड्राइविंग आता है, तो ड्राइविंग से तो काम चलेगा नहीं, आपको माल क्या नाम पायलट उठाना भी है, पायलट रखना भी है, तो कैसे आप जो है कि उठाएंगे। तो ये जो दो लीवर है ना, इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जितना आप आराम से इसको करेंगे वो आगे की तरफ करेंगे, ठीक है ना? और एक्सीलेटर भी लेना पड़ता है इसमें, तो जितना आप आराम से उसको आगे की तरफ करेंगे, लीवर को पुश करेंगे, उतना ही वो आराम से नीचे आएगा, ठीक है? और अगर आप जितना पीछे आराम से करेंगे जितना, उतना ही वे आराम से ऊपर जाएगा। अगर आप एकदम से ऐसे नीचे करके और ज़्यादा एक्सेट लेंगे तो एकदम सनाक से ऊपर जाएगा, वो स्लाइड करते हुए लिफ्ट करते हुए बहुत तेज ऊपर जाएगा। तो यही हमको बस अनुभव लेना होता है, ठीक है, कि हम इसको आराम से करें, इसको आगे पुश आराम से करें, पीछे आराम से करें, बस इतना ही जानना होता है, और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ड्राइवर हैं तो बहुत ही ईजिली आप इसको चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। और बता दूंगा दोस्तों आप सभी को कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आप लोग सीखने में अगर आप ड्राइवर हैं तो, इसलिए कि हमको लग रहा है कि मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 2 से 4 दिन, 5 दिन मान के चलिए, ठीक है ना? 5 दिन में आप एकदम समझ जाइए कि 5 दिन के अंदर आप एकदम फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर आप बन जाएंगे। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे काम करते जाएंगे दोस्तों, वैसे ही आपको अनुभव यानी एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो जाएगा, और आप और आगे काम को जित अभी आपको तो मालूम होगा दोस्तों कि जैसे हम लोग काम करते हैं कोई भी काम, ठीक है, अगर हम लोग साइकिल ही सीखते हैं, छोटे हम लोग होते हैं साइकिल सीखते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि एकदम से हम लोग सीट पे ही बैठ जाते हैं, पहले थोड़ा उसको डगराते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा धक्का देंगे, कोई ना कोई दोस्त धक्का देगा उसको थोड़ा सा, फिर वो कैंची चलाते हैं हम लोग पैर डाल के फिर कैंची चलाएंगे उसको, फिर बाद में थोड़ा सा सीट से आगे चलाते हैं, बाद में सीट पर बैठते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ड्राइवर हैं तो 5 दिन तो बहुत है यार, 5 दिन मतलब आराम से आप इसको इस लीवर का कंट्रोल आप सीख जाएंगे। मेन कंट्रोल है लीवर का, मेन कंट्रोल है, कंट्रोल लीवर का सीख गए तो बस आप समझिए कि फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर आप बन गए।
बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक और बात बता दूं मैं दोस्तों, देखिए कोई भी फोरक्लिफ्ट हो, डीजल फोरक्लिफ्ट हो, क्या नाम है, पेट्रोल फोरक्लिफ्ट हो या गैस वाली हो, एलपीजी वाली, सबका जो फंक्शन होता है ना, सबका सेम होता है, इसमें कोई अलग रोड नहीं होता है, सबका सेम होता है। हाँ एक बात है, अगर फोरक्लिफ्ट टोयोटा का है तो टोयोटा में बहुत सारा डिजाइन आता है, कुछ डिजाइन ऐसी आती है जो न्यू मॉडल में है, कुछ डिजाइन ऐसा होता है जो ओल्ड मॉडल है, ठीक है। तो ओल्ड मॉडल, अभी मैंने एक दो दिन पहले वीडियो डाला था, आप लोग देखे भी होंगे, ओल्ड मॉडल जो फोरक्लिफ्ट होता है ना, उसका एक ही सिलेंडर होता है और उसमें बहुत, यानी कि पुराना जमाने का है वो, तो क्या करेंगे उसमें, तो थोड़ा सा लीवर उसका हार्ड होता है और लीवर में थोड़ा सा चेंजिंग होता है, लेकिन काम सब एक ही होता है, लीवर का काम सब एक ही है, बदलाव नहीं है। आपको देखने में लगेगा कि यार ये तो लग रहा है यार ये तो दूसरा लीवर का सिस्टम है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, काम सबका एक ही है, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। और जो हाई रिच फोरक्लिफ्ट होता है ना, उसका सिस्टम अलग है, उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, पीछे बना के अपलोड किया हुआ है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। बस हमने केवल इस डीएल फोरक्लिफ्ट के बारे में हम आपको बता रहे हैं, हाई रिच के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, सबका सेम होता है, ठीक, हाई रिच छोड़ के। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे फुल सपोर्ट कीजिए, ताकि और भी कोई मैं वीडियो इसी रिलेटिव डालूं, ठीक है, तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप लोग देख के कुछ ना कुछ सीख हासिल करते रहें। दोस्तों वीडियो लॉन्ग होते जा रहा है और मैं वीडियो करूंगा एंड, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।